हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब आज के एपिसोड में हम बीम माइन करना सीखने वाले, ठीक है। पूरी कंप्लीट गाइड रहेगी कि बीम माइन कैसे करना है, बीम ट्रेड कैसे करना है, आपको चाहे बाय करना हो चाहे सेल आउट करना हो। एंड वीडियो के एंड में हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कि अपने ग्राफिक कार्ड को ऑप्टिमाइज कैसे करना है ताकि आप अपने माइनिंग प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सको। मतलब एक ग्राफिक कार्ड की सेटिंग्स ओवरव्यू करेंगे कि जहां पर आप अपना हैश रेट भी इंक्रीज कर सको, अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी रिड्यूस कर सको और अपने ग्राफिक कार्ड्स को डैमेज भी ना करो। तो लास्ट वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो एंड तक देखो। अब विन फार्मर्स, एक सेकंड रुक जाओ एंड वीडियो पॉज करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन कि हमें 1000 सब्सक्राइबर्स का यूजर बेस बनाना है अगले 3 महीने के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बीम इज वन ऑफ माई फेवरेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। तो बीम है क्या? बीम एक प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी है एंड मैंने इससे ज्यादा प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी अभी तक नहीं देखी, ठीक है। हमने फिनफार्म पे एक बार पहले ट्यूटोरियल देखा था कि मोनेरो कैसे माइन करना है, तो मोनेरो भी एक प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी है, बीम भी एक प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी है। तो अगर हम प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं तो दीज आर दी क्रिप्टो करेंसीज जहां पर आपके बैलेंसेस, आपकी ट्रांजेक्शन ट्रैक नहीं हो सकते। एंड मैंने एक चीज पहले भी बता रखी है फिनफार्म में कि जैसे जैसे गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ाए जा रही हैं क्रिप्टो स्पेस पे, तो पीपल आर स्विचिंग टुवर्ड्स प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी। तो एक बेसिक से डिफरेंस क्यों है, लाइक एक बेसिक से डिफरेंस क्या है मोनेरो और बीम के बीच में? लाइक मोनेरो भी प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी है, बीम भी एक प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी है, तो वाई बीम नॉट मोनेरो? अब जो मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ ना, ये आपको भी हैरान कर देगा कि बीम जब मैं बात कर रहा हूँ एक सबसे ज्यादा प्राइवेसी फोकस क्रिप्टो करेंसी है तो क्यों है। अगर मैं सिर्फ मोनेरो यूज करूँ तो मोनेरो में अगर मैं आपको ट्रांजैक्शन भेज रहा हूँ या आप मुझे ट्रांजैक्शन भेज रहे हो, तो कोई भी थर्ड पर्सन ये नहीं पता लगा सकता कि हमने कितने बैलेंस की ट्रांजैक्शन करी, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन करी। लेकिन अगर मैं बीम की बात करूँ, ठीक है, तो बीम एक कंप्लीट इकोसिस्टम है इथेरियम की तरह। मतलब मैं बीम पर जाके अपने एसेट्स भी ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब मुझे किसी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। अगर मैं बीम पे NFTs बाय एंड सेल कर रहा हूँ तो मतलब मेरी कोई NFT से ये भी नहीं पता लगा सकता कि मेरे पास कितना बैलेंस स्टोर है, क्योंकि अगर मैं इथेरियम पे, पॉलीगन पे, सोलाना पे, इन सब पे NFTs खरीद रहा हूँ, तो जो NFT मैंने होल्ड कर रखी है आप सिर्फ उसके एड्रेस से पता लगा सकते हो कि मेरे पास कितना बैलेंस है। इवन आप मेरी ट्रांजेक्शन तक ट्रैक कर सकते हो कि मैं किसको कब क्या ट्रांजेक्शन भेज रहा हूँ, कितने अमाउंट की भेज रहा हूँ, ठीक है। मोनेरो ये सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करता। मोनेरो का सिर्फ यही फंडा एंड दैट इज कि आप क्रिप्टो करेंसीज भेज रहे हो, क्रिप्टो करेंसीज रिसीव कर रहे हो। बट बीम एक कंप्लीट एक इकोसिस्टम है, मोर लाइक इथेरियम, ठीक है। एंड उसका सबसे बड़ा फैक्टर, उसमें आप कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकते। एक बार बीम की वेबसाइट विजिट करते हैं, दैट इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्राइवेसी। बीम इज द टॉप निम्बल विम्बल L1 प्राइवेसी ब्लॉकचेन, ठीक है। अब बीम सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसने निम्बल विम्बल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है। इसके बाद इवन लाइट कॉइन ने भी लास्ट ईयर ही अडॉप्ट करी थी, बट बीम सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। इवन बीम के अडॉप्ट करने में भी इवन 4 या 5 साल लग गए लाइट कॉइन तक को अडॉप्ट करने में। फीचर्स एंड कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियल एसेट्स, कॉन्फिडेंशियल डीफाई एंड NFTs। जो मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा था तो उससे मेरा मतलब डीफाई ही था, क्योंकि यहाँ पर इसके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी हैं, अपने प्लेटफॉर्म भी हैं, इवन इसका अपना डाओ भी है जहाँ पर आप अपने बीम टोकन स्टेक कर सकते हो। आपको बीमेक्स टोकन मिलेंगे तो आपके पास भी गवर्नेंस राइट्स आ जाते हैं। कॉन्फिडेंशियल डेक्स, कॉन्फिडेंशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सेप्शनल यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं खुद बीम पिछले 2-3 सालों से यूज़ कर रहा था, मुझे पता है इसका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जब मैं इसके आपके वॉलेट में आपको लेकर जाऊँगा ना, तो आप खुद कहोगे नहीं ये एक काफ़ी इनोवेटिव थे। गेटिंग स्टार्टेड, अब बीम हमें माइन करना। आज का मेन फोकस हमारा ये नहीं कि बीम है क्या, आज का मेन फोकस है हमारा कि बीम माइन कैसे करना है। फिन फार्मर्स, हमने इतने ट्यूटोरियल्स देख लिए हैं फिन फार्म में, हमें कौन सी 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी क्रिप्टोकरेंसी माइन करने के लिए? सबसे पहले आपका एक वॉलेट और एक माइनिंग सॉफ्टवेयर। वॉलेट की लिंक ये रही, इंस्टॉल बीम वॉलेट। आपको ये सारी की सारी लिंक्स वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। क्रोम के लिए मत करना, ठीक है, वेब वॉलेट इसका इतना खास नहीं है, इन डेवलपमेंट है तो उसमें बग्स काफ़ी हैं। आई रिकमेंड आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, मैक कर रहे हो, तो इन दोनों में से ही कोई करना। एंड्रॉयड, iOS इनका रहने देना, विंडोज़ एंड मैक ही प्रेफर करना। इवन लिनक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, तीनों के वॉलेट्स काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप वॉलेट सेट करते हो, ठीक है, जैसे हमने मेटामास्क सेट करना सीखा था वैसे ही इसका वॉलेट सेट होगा। बट ये इतनी प्राइवेसी फोकस क्रिप्टो करेंसी कि जब ये ब्लॉकचेन के साथ अपने आप को सिंक कर रही होती है, तो जब आप फर्स्ट टाइम वॉलेट क्रिएट कर रहे हो तो हो सकता है इसको 3 से 4 घंटे लग जाए ब्लॉकचेन के साथ सिंक करने के। एंड ये इसलिए होता है ताकि जो आप ट्रांजैक्शन भेजते हो ना, वो अपनी मैक्सिमम अनोनिमिटी भी होती है कि कोई भी उसको ट्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए इसे इतना टाइम लग जाता है अपनी ब्लॉकचेन पहले सेट करने में, तो उस टाइम कोई घबराने की बात नहीं कि हो नहीं रहा,
तीन से चार घंटे लगना मामूली बात है, इवन अगर आपका नेट स्लो है तो चार घंटे से भी ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो हमने वॉलेट डिसाइड कर लिया, वॉलेट इसका अपना ही है। इसके बाद हम जा रहे हैं लॉल माइनर माइनिंग सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट वर्जन है लॉल माइनर 1.76। 1.76 भी यूज कर सकते हो, इवन इससे प्रीवियस वर्जन भी यूज कर सकते हो अगर वो वर्जन 1.6 से ऊपर है तो। ठीक है, तो एक बार आपने लॉल माइनर भी डाउनलोड कर लिया एंड वॉलेट भी डाउनलोड कर लिया, वॉलेट जब सेट कर लोगे तो आगे बढ़ते हैं। एंड लॉल माइनर के लिए एक चीज और कि अगर आप क्रोम से कर रहे हो तो मेरे पास पहले भी कुछ कॉमेंट्स आए थे पुरानी वीडियोस पे कि लॉल माइनर जब हम क्रोम से डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको एज अ वायरस फ्लैग करें। ठीक है, तो अगर एज अ वायरस फ्लैग कर रहा हो तो प्लीज कोई और ब्राउजर यूज कर लेना, क्योंकि जितने भी माइनिंग सॉफ्टवेयर है उसको वायरस की तरह ही शो करता है, क्योंकि माइनिंग पैकेजेस होते हैं आपका हार्डवेयर भी यूज करके वो डेटा बाहर भेजा जाता है। आपका डेटा नहीं होता बट जो माइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपना डेटा बाहर भेजते हैं, तो इसलिए उसको एज अ वायरस फ्लैग कर दिया जाता है। अगर दिक्कत आ रही है आप एज यूज कर सकते हो, इवन फायरफॉक्स कर सकते हो, फायरफॉक्स में दिक्कत नहीं आती है, फिर ब्रेव ब्राउजर कर सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी ब्राउजर यूज कर लेना, आप इजिली फिर लॉल माइनर को डाउनलोड कर सकते हो। अब आप एक बार वॉलेट सेट कर लो तो आपका वॉलेट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं यहाँ पर चीज़ें ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि बीम का मेन फोकस ही यही है कि प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए, तो इवन मेरे पास भी कितने एसेट्स हैं वो भी अनोनिमस रहने चाहिए, राइट। ठीक है, अब मैं बता दूँ मुझे बीम का वॉलेट क्यों सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनमें हैक्स होना ना बहुत रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जैसे क्विकसॉप है, क्विकसॉप में लास्ट ईयर क्या हुआ था कि quickswap.com पे अगर आप जाओगे, आप एक्सचेंज पर जा रहे हो, आप एक्सचेंज कर रहे हो, बट हैकर ने क्या किया, वो वेबसाइट कहीं और रीडायरेक्ट कर दी अपने पेज पे जहाँ पे उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो डोमेन वही है, आप बिल्कुल सही डोमेन पर जा रहे हो, बट जब आपने एक्सचेंज करे तो आपके एसेट्स आपके पास आने की वजह हैकर के पास चले। तो ये चीज़ भी होती है कि हमारा जो फ्रंट एंड होता है हैकर उसे हैक कर सकता है। तो बीम वॉलेट की सबसे खास बात क्या है, जब आप इस पे जाओगे माई डैप स्टोर पे, इसके जितने भी डैप्स हैं जो बीम पे डिप्लॉयड है वो इसके अंदर ही स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने वॉलेट के अंदर से एक्सेस कर रहे हो तो ऐसे घबराने की बात नहीं है कि फ्रंट एंड कुछ और हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉसेट्स हैं, एनएफटीज हैं, डाओ है, इवन इसका अनोनिमस नेम सर्विस भी है, मोर लाइक इथेरियम का इथेरियम नेम सर्विसेज है, एसेट मिंटर, डेक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, एंड ये सब आपको वॉलेट के अंदर ही मिलती है। मैंने कुछ ज़्यादा आई गेस प्रमोट कर दिया भीम को, उन जगहों कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। एनीवेज, मैं वॉलेट पे वापस आ रहा हूँ। अब हमें एड्रेस कौन सा चाहिए, जब आप रिसीव सेक्शन में जाते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने ये गड़बड़ कर दी अगर आगे ये सब कुछ माइनिंग में गड़बड़ हो जाएगी। जब आप रिसीव सेक्शन में जाओगे, ठीक है, तो आपको एक क्यू आर कोड दिखा रहे हैं एंड नीचे एक एड्रेस दिखा रहे हैं। इसके एड्रेस डिटेल्स पर जाना एंड अब आपको ये दो अलग अलग एड्रेस यूज दिखा रहा होगा, एक नॉर्मल एड्रेस जो कि काफ़ी लंबा है एंड एक आपका SBB एड्रेस, SBBS एड्रेस। तो हमें माइनिंग के लिए ये वाला एड्रेस यूज करना होता है, ऊपर वाला नहीं। ठीक है, तो हमेशा यही वाला एड्रेस यूज करना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड सिग्नेचर ये रहा। ठीक है, हमें सिग्नेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ एड्रेस चाहिए। इनफॉर्मर्स, अब हमें पता चल गया कि हमें वॉलेट एड्रेस कौन सा यूज करना है, इवन हमारे पास माइनिंग सॉफ्टवेयर भी आ चुका है, तो हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स डन है। अब मैं आपको बता देता हूँ माइनिंग टूल कौन सा यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं beam.hero-.com। रीजन बता देता हूँ, क्योंकि इसका एक सर्वर इंडिया में भी लोकेटेड है, तो जब आप इंडिया में माइनिंग कर रहे हो तो आपका एक सर्वर अगर इंडिया में ही है तो आपकी पिंग कम रहेगी, तो जितनी कम पिंग रहेगी आपको उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हीरो माइनर्स यूज़ कर रहा हूँ, बाकी कोई भी जो पूल है इसका बीम का वो इंडिया में कोई भी सर्वर प्रोवाइड नहीं कर रहा। सिंस अब हमारे पास हीरो माइनर्स हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं वापस से जाऊँगा जहाँ पर मैंने अपना माइनिंग फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया है। तो 1.76 मैंने यहाँ पर कर लिया है लॉल माइनर का। अब आपको न्यू पर जाना है एंड एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ये जब आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कहाँ क्या लिखना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये रही वो चीज़ कि लॉल माइनर एड्रेस की जगह मैं यहाँ पर अपना एड्रेस पेस्ट करूँ एंड इसको मैंने करना है Ctrl+S, मतलब ये सेव हो गया। बट ये अभी हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अब हमें इसे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है, तो हमें इसे फाइल करना होगा, सेव एस करना होगा। एंड जब आप इसमें सेव एस पे जाते हो तो .bat एंड मेक श्योर आपका सेव एस टाइप ऑल फाइल्स हो चुका है, तो आपने इसको बस सेव करना है। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर एक CMD फाइल बन गई है, .bat फाइल बन गई है, अब जैसे मुझे एग्जीक्यूट करना है। इनफार्मर्स, अब ग्राफिक कार्ड ऑप्टिमाइजेशन में पहुंचने से पहले ये देख लेते हैं कि बीम आपको ट्रेड कहाँ करना है। बीम ट्रेड करना है तो दो ही एक्सचेंजेस आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, सबसे पहला है CoinEx एंड सेकेंड इज आपका Gate.io, क्योंकि यही दो एक्सचेंजेस आपको सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बीम में। तो आपको बेटर रेट्स मिलेंगे, चाहे आप सेल कर रहे हो, आप बाय कर रहे हो,
एंड इवन क्विकली भी ऑर्डर्स आपके प्लेस हो सकते हैं। बाकी एक्सचेंजेस पे इतनी लिक्विडिटी नहीं है, तो अगर आप वहाँ पे अकाउंट बना भी लेते हो तो आपको खरीदने बेचने में दिक्कत आएगी एंड इवन बेटर रेट्स भी नहीं मिल पाएंगे। अब इनफार्मर्स, अब आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचोगे तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अगर आप कॉइनएक्स और gate.io एक्सचेंज पर साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो आप ही के प्रॉफिट्स में ऐड हो रहे हो। अब मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, इवन बीम टोकन बाइनेंस पे भी लिस्टेड था बट बाइनेंस ने उसको 4 से 6 महीने पहले डीलिस्ट कर दिया था बिकॉज बीम बहुत ज़्यादा प्राइवेसी फोकस क्रिप्टो करेंसी है एंड नॉट जस्ट बीम को डीलिस्ट करा था, 4-5 और भी क्रिप्टो करेंसीज थी जिनको बाइनेंस ने डीलिस्ट करा था। तो जब डीलिस्ट किया था तब बीम का प्राइस आई गया 0.5 या $0.6 के अराउंड था, लेकिन तब से फिर उसका प्राइस क्रैश करता हुआ $0.03 पर आ गया। इन्फार्मर्स, मुझे 15 घंटे हो चुके हैं बीम माइनिंग ऑन करे और जो करंट हैश रेट है वो मुझे 15 सोल्स के अराउंड रिसीव हो रहा था, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले, बट जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी तो वो 13 पे गिर चुका है, ठीक है। तो आपका जो हैश रेट है बीम में वो सोल्स पर सेकेंड पे मेजर होता है, तो ये इसका मेजरिंग यूनिट है। अब जब आप माइनिंग कर रहे हो बीम की लॉल माइनर के थ्रू तो आपका ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एंड दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। आपका हैश रेट इतना मैटर नहीं करता, आपका एफिशिएंसी फैक्टर ज़्यादा करता है। मैं बताता हूँ इसके पीछे एक रीज़न क्या है कि आप जो करंट हैश रेट रिसीव कर रहे हो उसके पीछे आप इलेक्ट्रिसिटी कितनी कर रहे हो कंज्यूम। तो जैसे मुझे पहले 20 सोल्स रिसीव हो रहे थे स्टॉक सेटिंग्स पे, बट जब ये ग्राफिक कार्ड मेरा जो पावर खींच रहा था वो 155 वॉट्स के आसपास खींच रहा था, तो मेरी पावर यूजेज जो है 50% से ज़्यादा ड्रॉप हो गई, क्योंकि अगर मैं 155 से बात करूँ तो 73 तक ले रहा है, लेकिन जो मेरा हैश रेट है जो वो 20 दे रहा था तो यहाँ पर मुझे 15 दे रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद, एंड अभी भी इनफैक्ट ऑलमोस्ट 14 दे रहा है। तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी अपनी रिड्यूस कर रहा हूं 50% से लेकिन मेरा हैश रेट 50% से ड्रॉप नहीं हुआ तो मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी रहेगी उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट रहेगा, हैश रेट से आपके प्रॉफिट्स पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना आपका एफिशिएंसी पर आएगा। अब मेन चीज़ यह है, हम बीम हैश 3 एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, तो बीम हैश 3 एल्गोरिदम आपकी कोर बेस्ड एल्गोरिदम है, अनलाइक आप जैसे इथेरियम बेस्ड एल्गोरिदम्स होती है लाइक ईथैश, तो ईथैश जो आपका मेमोरी इंटेंसिव एल्गोरिदम होता है, लेकिन बीम हैश 3 जो है वो आपका कोर इंटेंसिव एल्गोरिदम है। तो जब हम ग्राफिक कार्ड की ट्यूनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने मेमोरी क्लॉक्स को डिक्रीज कर दिया, मैं यहाँ पर ओरिजिनल AMD का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर MSI Afterburner यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं AMD का ही वॉटमैन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने सेटिंग्स करी हैं दैट इज़ मैंने अपनी कोर क्लॉक को अंडरक्लॉक करा है एंड साथ ही साथ मैंने अपनी वॉटेज भी रिड्यूस कर दिया, तो ये चीज़ करने से ही जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई एंड साथ ही साथ मेरा हैश रेट इंक्रीज हो गया। एंड साथ ही मैंने अपनी फ़ैन सेटिंग्स से अगर रखी हैं, सिंस अभी गर्मी ज़्यादा है तो मैंने फ़ैन सेटिंग्स 36% पे कर रखी है करंट टेम्परेचर के हिसाब से, ताकि ये वाली जो जगह है वो कॉन्स्टेंट रहे एंड जब इसके आगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा दैट इज 69 डिग्री तक अगर टेम्परेचर 1% बढ़ जाता है तो फ़ैन एकदम से जंप मार जाएगा। तो ये मेरी करेंट सेटिंग्स हैं एंड अगर आप भी अभी इस पे बीम माइन कर रहे हो तो आई रिकमेंड कि आप अपनी कोर क्लॉक्स को ही छेड़ना, मेमोरी क्लॉक को आप काफ़ी कम भी कर दोगे तो आपकी हैश रेट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। मेन आपका फ़र्क आएगा कि आप कोर क्लॉक्स के साथ अंडरक्लॉकिंग कर रहे हो या ओवरक्लॉकिंग कर रहे हो। मैं अंडरक्लॉकिंग प्रेफर करता हूं गर्मियों के टाइम पे क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है कम रहता है, अगर आपको ओवरक्लॉकिंग ज़्यादा पसंद है आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। अब मेन चीज़ आ जाती है अगर आप MSI Afterburner यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको कैसे इसकी सेटिंग्स में छेड़ाछाड़ी करनी है, उसके लिए मैंने एक अलग ट्यूटोरियल बना रखा है, एक कंप्लीट गाइड कि कैसे आप अपने ग्राफिक कार्ड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो थ्रू MSI Afterburner। तो अगर आपको वो चीज़ भी चेक करनी हो तो आपको ऊपर यहाँ पे लिंक दिख रही होगी, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बीम माइन करने के लिए आपको एटलीस्ट 4GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। इवन अगर आपके पास 4GB का ग्राफिक कार्ड है एंड आप विंडोज पे माइनिंग करो तो हो सकता है कुछ कुछ सिस्टम्स में दिक्कत आए, क्योंकि बहुत सारे माइनिंग सॉफ्टवेयर्स अब 4GB के ग्राफिक कार्ड को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है जैसे जैसे ब्लॉकचेन बढ़ती रहती है साइज में वैसे वैसे आपके ग्राफिक कार्ड में मेमोरी भी वो ज़्यादा एलोकेट होती है। तो 4GB का ग्राफिक कार्ड अभी आप 2 साल पहले तक 3GB के ग्राफिक कार्ड में भी कर सकते थे, अब उसका साइज जो है ऑलमोस्ट 4GB पहुंचने वाला है। जैसे वो 4GB पहुंच जाएगा तो 4GB ग्राफिक कार्ड से आप नहीं माइन कर सकते। इसका मैं एक टेम्प्ररी सोल्यूशन भी बता देता हूँ। सबसे पहला है कि आप विंडोज़ छोड़ के लिनक्स पे माइन कर लो तो आप 4GB ग्राफिक कार्ड यूज़ कर पाओगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपके पास बड़ी रिग है 4-4GB के ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं तो उसमें एक ग्राफिक कार्ड मेन वाले पोर्ट में 6GB या 8GB का ऐड कर लो, तो जब तक विंडोज़ में 4GB का मार्क क्रॉस नहीं हो जाता तब तक आप उससे माइन कर सकते हो। आई रिकमेंड अगर आप बीम माइन करने के लिए अपनी रिग बना रहे हो तो
एटलीस्ट 6 या 8 GB के ग्राफिक कार्ड में इन्वेस्ट करना ताकि आप लॉन्ग रन के लिए माइनिंग कर सको, क्योंकि अगर 3-4 महीने बाद 4 GB का मार्क भी क्रॉस हो जाता है तो आप अपने 4 GB के ग्राफिक कार्ड से भी माइन नहीं कर पाते। Finfarmers, अभी भी कोई डाउट है तो Finfarm का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टो यूथ कम्युनिटी। लिंक्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एंड अगर आपको कोई और माइनिंग ट्यूटोरियल भी चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अब वीडियो में यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।